कहते हैं कि यहाँ पे तकरीबन किसी ज़माने में 5 से 6 हज़ार गारें मौजूद थीं, मगर इनकी देखभाल कोई नहीं करता। यहाँ पे पुराने ज़माने के लोग रहते हैं और बाकायदा घरों में ऐसा लग रहा है कमरे नुमा बने हुए हैं, पूरे कमरे प्लेन वगैरह बिल्कुल चकोर, जैसे बॉक्स नहीं होते वो। और पुराने ज़माने के लोगों ने पहाड़ों में किस तरह से तराशा होगा, उन्हें किस तरह से बनाया होगा, कहीं से देख के नहीं लगता कि ये बग़ैर मशीनरी के बने हुए हैं। मगर सलाम है उन लोगों को, और आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि ऐसी ऐसी जगहें भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, और पाकिस्तान में नहीं, कराची से सिर्फ 4 घंटे 3 घंटे की दूरी पर। यहाँ पर पहुँचने के लिए या तो आपके पास होनी चाहिए 4x4 ज़रा कड़क वाली, या फिर 150, या फिर 100, या 125 cc। 150 रिकमेंडेड है, 125 वो 70 के बस की बात नहीं है। यहाँ पे 70 पे अगर आप आएंगे तो ये बाइक के साथ भी ज़्यादती है और आपकी अपनी सेहत के साथ भी ज़्यादती है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। किस्मत एक मरतबा फिर सड़क पे ले आई। कहानी की स्टोरी ये है कि आज इंशाल्लाह गोरी अंदर केव सिटी, या पता नहीं गोर अंदर, इसी तरह कुछ नाम है, वहाँ जा रहे हैं। ये केव सिटी है तो पूरे सफ़र में साथ में इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अभी ये विंदर से पहले एक जगह स्टॉप लिया है नाश्ते के लिए। पकाने का सामान ले लिया है और डब्बे में रख लिया है। ये रही 125 जी, ये रहे सारे दोस्त अहबाब, ये रही हमारी बाइक। इस वक्त बेला शहर पे मौजूद हैं। तकरीबन नाजाबाद PSO पंप से 176 किलोमीटर चल चुकी है। ये आई है सीधी रोड बेला से, और फिर यहाँ से लेने का सीधा गेट से लेके जाएगा। चलते हैं यहाँ पर। इस रोड पे तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर तक सीधा सीधा जाना है, और फिर आगे एक वाइट कलर का बोर्ड आएगा, उसे उल्टे हाथ पे लेना है, वो फिर सीधा गोंदरानी केव सिटी जाके जो है वो फिर रोड एंड होगा। और उस रोड पे तकरीबन 5 से 6 जगह वो भी हैं वाटर क्रॉसिंग, एंड वो टोटल ट्रैक ऑफ रोडिंग है, 3 से 4 किलोमीटर ऑफ रोडिंग और एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग है, पत्थर ही पत्थर। इस रोड से जब आप सीधा आ रहे होंगे तो ये वाइट बोर्ड निशानी है, इस वाइट बोर्ड से फिर रास्ता शुरू होता है गोरी अंदर का। बलूचिस्तान हो और मेहमान नवाजी ना हो तो ये तो नामुमकिन है। यहाँ के लोग इतने दिल के अच्छे हैं, हमने बोला कि यहाँ पे होटल वगैरह कायम पूछा, क्योंकि रोटी चाहिए थी सालन तो वहाँ ख़ुद ही बनाएंगे, तो इन्होंने बोला यहाँ दूर दूर तक कोई होटल नहीं है। ये बंदा अपने घर गया है यहाँ का एक बंदा, और हमारे लिए 20 रोटियां बनवा रहा है, और बोल रहा है कि पैसे नहीं लूँगा, ये हमारी बलोची रिवायत है। राइट टू एक्सप्लोर पाकिस्तान है भाई, इनके चैनल को टीम राइट टू एक्सप्लोर पाकिस्तान की राइड है ये। तो और हम बहुत शुक्र गुजार हैं भाई, एज एडमिन मैं बहुत शुक्र गुजार हूँ दानियल भाई ने शिरकत करी। भाई अपना इसको सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, 1000 सब्सक्राइबर कराना है जल्दी इंशाल्लाह। और जो लोग कहते हैं ना कि बलूचिस्तान सेफ़ नहीं है, ये है वो है यहाँ पे ये है, तो भाई ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। ये बंदा गया था उसने, और ये 20 रोटियाँ हमारे लिए बनवा के लाएगा, बोल रहे हैं कि 1 रुपया नहीं लेंगे।
तो यार इतना बड़ा दिल ना, सीधी सी बात है कराची वालों की बात सुनी है। ये है इनकी मेहमान नवाजी, रोटियां भिजवा दी अपने घर से बनवा के। यार ये मेहमान नवाजी ना आपको कहीं नहीं मिलेगी, वाकई इनका बहुत बड़ा दिल है। अल्लाह इनको ज़्यादा खैर दे। बलूचिस्तान इज सेफ। यार ट्रैक चेक करो बस, आदत बुरी कर दी इसने तो। यार ये वीडियो देखो, और भाई यहाँ पे आओ यार, देखो पुराने ज़माने के लोग किस तरह रहते थे, किस तरह कमरे शमरे बनाए हुए हैं, और पूरे चकोर बॉक्स। कहीं से ये नहीं लगता कि भाई ये बग़ैर मशीनरी के बने हुए हैं, और ये ऐसा लगता है हाँ भाई वो छोटे भाई का घर, वो बड़े भाई का घर, वहाँ पे सास, वहाँ पे ससुर, वहाँ पे बहू, वहाँ पे ये वो। भाई बहुत हटो बच्चों सीन है, और बहुत सारी थी, अब ये जो है काफ़ी मिसमार हो चुकी हैं। जैसे ये भी मुझे लग रहा है कोई गार ही होगी, कोई कमरा टाइप का बना होगा, और यहाँ पे पानी वगैरह भी है, एक आगे मज़ार भी है। इस जगह की हिस्ट्री एग्जैक्ट कोई भी नहीं जानता है, बहुत सारे र्यूमर्स हैं। कोई कहता है कि यहाँ पर असरात वगैरह वाला मामला है, कोई कहता है कि यहाँ पे लोग रहते थे पुराने, कोई कहता है कि जैसे मोनजो दड़ो की तरह ये भी जो कि डिस्कवर हुई है पुराने ज़माने में लोग रहते थे, फिर कोई सीन हुआ होगा। लेकिन ये सारे र्यूमर्स हैं, हर बंदे की वो अपनी रिसर्च है। बहरहाल जो भी है, जगह घूमने वाली है, एक्सप्लोर करने वाली है, आएँ फैमिली के साथ भी आ जाएँ, लेकिन 4x4 पे, और अगर बॉयज़ वॉयज़ हैं तो 125-150 पे ही आएँ तो ज़्यादा बेहतर है। 70 पे नहीं आएँ, क्योंकि ये आपकी ही जान के साथ साथ आपकी 70 की जान के लिए भी ज़्यादती है। ओए होए ये देखो यार, डर लग रहा है मेरे को, अभी काला काला लग रहा है भाई। दादा भागना से पे, भागना से मुझे डर लग रहा है। ये पहाड़ हैं, और ये इससे पानी रिश्ता आ रहा है, और ये हुई हुई ठंडा पानी कितना साफ है, वाओ अमेजिंग। नहीं नहीं है, है पानी है। गंदे का शरबत, क्या वो पानी कैसा है? बड़ा मजेदार, पियूं? चलो पी लिया। कैसा पानी, ठंडा? ये बनाना फुल ठंडा पानी बन बन भी। यहाँ पर एक हमारे मुसलमान भाई वजू करते हैं। फ्रेशनेस गारे तो यहाँ पे इतनी है कि पूरा दिन भी लगाते हैं, तब भी जो है आप सबको एक्सप्लोर नहीं कर सकते, मगर क्योंकि अब बहुत भूख लग रही है, स्लिप हो गया मैं, बहुत शदीद भूख लग रही है, खाना वाना खाना है, खाना यहीं पर ही बनाएंगे इंशाल्लाह। तो फिर देखते हैं क्या सीन है, बहुत भूख लग रही है, क्योंकि ऑफ रोडिंग इतना लंबा रास्ता, सुबह का नाश्ता किया है वो तो बस सकते फ़ौरन हज़म हो गया यार। लेकिन जगह है घूमने की, मानो या ना मानो,
बहुत मज़ा आ रहा है। पीछे गार है तो इसमें चलते हैं। उई 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 उई। ये है इसका एग्जिट, तो यहाँ से निकलते हैं। आए निकल गए फाइनली। यार आप लोग ये चेक करो, पूरा कमरा बना हुआ है। उई देखो यार, मेरे पीछे मतलब पुराने ज़माने के लोगों ने कैसे इसको बनाया होगा, पूरा कमरा बना हुआ है। हुई 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 यार, डर भी लग रहा है। ये दीवारें, ये पत्थर भाई, ये यहाँ का लास्ट पॉइंट है, इससे आगे नहीं जा सकते। और इस वक्त मैं साफ शफाफ क्रिस्टलिक वाटर में चल रहा हूँ। वो आ रही है एक 4x4, आई थिंक ये आईसुजू डी मैक्स है। और उससे पीछे एक और आ रही है, यही 4x4 और बाइक होगी तो आपकी जो है हिम्मत होगी आने की। पानी बहुत साफ है, आ हा 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 हा, ठंडा भी हो रहा है। उफ हटो बच्चों, यार पैसे वसूल हैं। ये आ गई, एक और भी आ रही है, वो हो रही। ऑर्गेनिक माहौल, और ये रही पहाड़ी।